केंद्र शासनाकडून एक नवीन कायदा करण्यासाठी बिल आणला गेलाय, वक्फ अमेंडमेंट बिल. आणि त्याचा आपण पाहतोय की चोहीकडे मुस्लिम समाजाकडून विरोध केला जातोय. हा विरोध का होतोय हेच आपण जाणून घेणार आहोत आजच्या विशेष भागामध्ये. आपल्यासोबत चर्चा करण्यासाठी अंजर खान आहेत. अंजरजी, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. कसं पाहता या बिलकडे आणि हा मुस्लिम विरोधी बिल आहे असं तुम्हाला का वाटतं? देखिए, पहले भी कहा गया था कि एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है और इस देश में मैं बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को और पूरी टीम कि उन्होंने हर धर्म को यह इजाजत दी है अपने पूरे आइडेंटिटी के साथ रहने की. उसी तरह जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बिल बना था उसी में वक्फ एक बिल बना था जिसमें वक्फ का कोई मालिक नहीं होता है. वक्फ एक ईश्वरीय और एक स्वर्गीय प्रॉपर्टी होती है जिसका मालिक सिर्फ अल्लाह होता है और उसी प्रॉपर्टी पे काफी सारे हम धार्मिक या सोशल काम कर सकते हैं, खास जो मुस्लिम समाज के ताल्लुक से है. और आज जो बात हो रही है वक्फ बिल की, सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि जब बात की गई थी कि पर्सनल लॉ में कोई मुदाखलत नहीं होगी, आज जब सरकार आ चुकी है तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है, अगर इतनी मोहब्बत वक्फ प्रॉपर्टी से है तो क्यों नहीं आज जो हालात मुंबई ने देखे, मुंबई में हमारे अंबानी जी ने जो घर बनाया है जिसकी तारीख आप देख सकते हैं, एक यतीम खाने की जगह एक मुस्लिम प्रॉपर्टी, वहां पर एक घर बनता है, एक बिल्डिंग बनती है और उस पर कोई रोक नहीं लगती है. अगर इंसाफ मुसलमानों के वक्फ के बिल चेंज करने का देना ही है सरकार को तो सबसे पहले इंसाफ दिया जाए मुंबई की उस प्रॉपर्टी पर जिसमें बेकायदा 2002 से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, बेकायदा अंबानी जी ने एक प्लॉट बनाया है और एक उनका एक रहने की पूरी सुविधा उन्होंने उस प्रॉपर्टी पे की है जो मुस्लिम की एक यतीम खाने की है. तर जर आपण जर पाहिलं वक अमेंडमेंट बिल आणला गेलाय आणि हा फ्युचरमध्ये कायदा सुद्धा होऊ शकतं, तर याच्यामुळे मुस्लिम समाजाला काय नुकसान होणार आहे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो यह है कि जैसे हमने कहा कि हम हमारी इबादत को हमने पोशीदा रखा है और जैसे इबादत खाने हमारे है, चाहे मस्जिद हो, चाहे दरगाह हो, दर्सगाह हो, हमारे मदारिस हो, इस पे इनडायरेक्टली आंच लाई जा रही है कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बना है तो क्यों कोई और इसमें आकर मुदाखलत कर रहा है. जैसे जी रहे जीने दीजिए, अगर इसमें कोई भी लॉ बनाना है तो पहले फैसला आप आपके इंसाफ का कीजिए, बाद में इसमें मुदाखलत कीजिए. और इसमें किसी को इख्तियार हमने नहीं दिया कि ये जो अरबा अरब प्रॉपर्टी है कि इसमें कोई आकर इस पर कब्जा कर ले, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसके देखभाल भी हम ही करेंगे और इसका जवाब भी हम देंगे. वक्फ अमेंडमेंट बिल आल्यामुळे जसं आपण पाहिलं मागे देखील अशीच परिस्थिती होती, ट्रिपल तलाकचे जे नियम तयार केले गेले होते त्यावेळेस देखील अशीच परिस्थिती होती, त्यावेळेस देखील नागरिकांकडून सिग्नेचर मागवले गेले होते, परंतु तो कायदा मुस्लिम विरोधात झाला आणि आता जर हा कायदा झालाच तर मुस्लिम समाज काय पाऊल उचले? देखिए, हर वक्त यही हुआ है कि जुल्म को मुसलमानों ने बर्दाश्त किया है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पहले इंसाफ पर भी बहुत भरोसा होता था पर आज इंसाफ भी अपना पहलू उठाने पर मजबूर हो चुका है. और जैसे कि जिस तरह ट्रिपल तलाक के टाइम पे लाखों हाँ लाख सिग्नेचर कैंपेन, हमारे अहमदनगर जिले से 1 लाख के ऊपर सिग्नेचर चले गए थे, फिर भी कायदा इनके विरोध में आया. अगर आज भी ये कदम उठाते हैं तो देखिए, अगर मुसलमान चाहता है कि मस्जिद में वो सही ठिकाने से नमाज पढ़े तो उसको सड़कों पर आना पड़ेगा. अगर मस्जिद महफूज नहीं है, उसका इबादत गाह महफूज नहीं है, तो मुसलमान यहां से देश में कहां सिक्योर होगा? तो जाहिर सी बात है ये इनडायरेक्टली हमला करना चाहते हैं मस्जिदों पर, इनडायरेक्टली हमला करना चाहते हैं मदरसों पर, इनडायरेक्टली हमला करना चाहते हैं हमारे अल्लाह वालों की मजारों पर, ताकि ये किसी तरह उसको कब्जा कर ले और मुसलमानों का इस देश से वजूद मिटा दे. एक ही चीज है, मैं साफ कहना चाहता हूं, मुसलमान की ताकत उसकी जमीन है. अगर इस मुल्क में मुसलमान है तो उनको पता है कि हजारों एकड़ करोड़ों एकड़ जमीन लेकर बैठा है तो ये मालिक है यहाँ का, ये मिल्कियत को खत्म करने की पूरी साजिश है. और अगर इसके खिलाफ कोई फैसला आता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो सिग्नेचर कैंपेन लड़ रहा है, अगर फिर भी फैसला आएगा तो मुसलमान बिल्कुल इस वक्त खामोश नहीं बैठेगा, वो अपने आईन के साथ, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ
बिल्कुल इस लड़ाई को लड़ेगा और जब तक हक नहीं मिलता वो खामोश नहीं बैठेगा। निश्चितच आपण जर या ठिकाणी पाहिलं तर मुस्लिम समाजाकडून एक मोठी मोहीम चालवली गेली। मग आपण जर पाहिलं संपूर्ण भारतामध्ये वेगवेगळ्या मशिदींमध्ये अनाउन्समेंट केल्या गेल्या, वेगवेगळ्या प्रकारचे बारकोड त्या ठिकाणी व्हॉट्सअपवर फिरताना आपल्याला दिसले आणि एक मोठ्या संख्येत जे मुस्लिम समाजातील युवक आहेत, तरुण आहेत किंवा जे मुस्लिम समाजातील लोक आहेत ते या बिलला विरोध करण्यासाठी मेल पाठवताना आपल्याला दिसतात। ती मोहीम कशा पद्धतीने सुरू झाली आणि त्याबद्दल काय सांगाल? देखिए ये 4 सितंबर से ये मुहिम शुरू हुई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है सभी जमातों का, उन्होंने ये मुहिम यानी शुरू की है और अब सिर्फ हमारे पास 13 तारीख तक वक्त है जिसमें जितना ज्यादा हम लोग हिस्सा ले ले ले, क्योंकि 35 करोड़ के ऊपर मुसलमान इस देश में रहता है तो हम चाहेंगे कि करोड़ की तादाद में लोग इसमें शामिल होकर इस मुहिम का हिस्सा बने और ये 13 तारीख लास्ट डेट है, इसमें हम पूरा पूरा अपना योगदान दें, अपना वक्त निकालकर इसको जो QR कोड है उसको मेल करें। ये बहुत आसान तरीका है और मैं समझता हूं कि एक जाहिल से जाहिल पढ़ा लिखा नहीं भी है वो सिर्फ QR कोड को स्कैन करके सिर्फ मेल सेंड कर दे तो काफी है और हर एक अकाउंट में मेल एंट्री जरूरी लाजमी है जब तक वो एंड्रॉइड नहीं चलेगा। निश्चितच आपण पाहतोय की विविध ठिकाणी मुस्लिम समाजाकडून एक मोहीम राबवली गेली, वेगवेगळे बारकोड व्हॉट्सअपवरती फिरताना आपल्याला दिसले आणि कुठेतरी अनेकांची डोकेदुखी यामुळे वाढलेली देखील आपल्याला पाहायला मिळाली। तर हा बारकोड नेमका कशाचा होता त्याबद्दल अंजर खान यांनी नुकतंच आपल्याला माहिती दिलेली आहे। तर वक्फ अमेंडमेंट बिलबद्दल जर आपण विचार केला तर मुस्लिम समाज संपूर्ण देशातून आक्रमक पवित्रा घेताना आपल्याला दिसतोय आणि फार आक्रमकतेने याचा विरोध होताना आपल्याला दिसतोय, वेगवेगळ्या ठिकाणी विरोध प्रदर्शने देखील होते। तर मुस्लिम समाजाला काय संदेश द्याल तुम्ही? ना समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। जैसे इतिहास को पूरी तरह से मिटाया गया तो दोबारा इतिहास मिटाने की कोशिश है, जाहिर सी बात है जमीन चली गई तो इतिहास मिट जाएगा, मस्जिद इनके ताबे में हो जाएगी, मदरसे इनके ताबे में हो जाएंगे, एक ही तो चीज बची मुसलमान जिस पर अपना गुरूर और फख्र महसूस करता है। और मैं बिल्कुल अपने बेबाकी के साथ मैं बात करूंगा अपने पूरे मुस्लिम भाइयों से और वो बिरादरान वतन जो हमें आज कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम इसके लिए लड़ रहा है, कई बिरादरान वतन ऐसे है जो हमसे बिल्कुल हमारे साथ सहायता दी है। जैसे CAA और NRC के वक्त मुसलमान रास्तों पर आया था, शाहीनबाग खड़े किया था, अगर जरूरत पड़ी तो अगर ये बिल हमारे खिलाफ आता है तो दूसरा शाहीनबाग खड़े करने में वक्त नहीं लगेगा। निश्चितच जर हा बिल भविष्यामध्ये कायदा जर झाला तर आम्ही निश्चित पुन्हा एकदा शाहीनबाग तयार करू अशी भूमिका या ठिकाणी अंजर खान यांनी आपल्या समोर मांडलेली। आपण पाहतोय की संपूर्ण देशामध्ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जे आहे याचा कडाडून मुस्लिम समाजाकडून विरोध केला जात आहे। तुम्हाला या वक्फ अमेंडमेंट बिल बद्दल तुम्हाला काय वाटतं ते आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा आणि या व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा।